हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक ही से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी जनरल गैस इक्वेशन, जिसमें हमने क्या देखा था कि पीवी इज इक्वल टू एन आरटी। इसमें से फिर हमने आर को डिफाइन किया था और उसके यूनिट्स वगैरह हमने डिटेल में देखे थे कि जो सा भी सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे उस सिस्टम के लिए आर के डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होते रहेंगे। अब इसी की फर्दर एक जो आज हमने बेसिकली स्टडी करना है वो इसी से एक नई डेरिवेशन है छोटी सी जो कि काफी हैंडी है, बहुत हेल्पफुल है, दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसकी वजह से, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हमने पढ़ी है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन R and T, P is pressure, V is volume, N is number of moles, R जो है वो general gas constant है और T temperature है। यहां से हमने density निकालनी है। अब N क्या होता है, N is number of moles, किसी भी gas के जो हम study कर रहे हैं उसके number of moles क्या है, N है। तो अगर हम first chapter को recall करें तो number of moles का formula क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था गिवन मास, जो भी किसी चीज का आपको मास गिवन होता था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फर्स्ट चैप्टर में हम मोल्स की डेफिनेशन में स्टडी करके आए थे कि जब गिवन मास को हम उस चीज के मॉलिक्यूलर मास में से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अब सपोज कर लें गिवन मास इज स्मॉल एम एंड मॉलिक्यूलर मास इज कैपिटल एम, तो एन इज इक्वल टू एम ओवर एम। ये जो इक्वेशन है इसको मैं उठा के इस इक्वेशन में डाल रहा हूं, पी वी इज इक्वल टू एम ओवर एम इंटू आर एंड टी। ये हमने कुछ भी नहीं किया, एन को उसके फॉर्मूले पे रिप्लेस कर दिया। अब अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू M ओवर V इंटू R और T। मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वॉल्यूम इधर आके डिवाइड हो गया। अब अगर आप अपनी पुरानी क्लासेस की बेसिक डेफिनेशन याद करें, डेंसिटी की डेफिनेशन होती है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम M ओवर V। तो ये जो M over V है ये वाला, ये क्या है बेसिकली, दैट इज डेंसिटी। तो मैं इसको अब रिप्लेस कर दूंगा D के साथ, D क्या है डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम इज डेंसिटी। ये PM इज इक्वल टू DRT, यहां से मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी, D इज इक्वल टू PM ओवर RT। डेंसिटी किसी भी चीज की मैं कैसे निकाल सकता हूँ, किसी भी गैस की मैं इस सूरत में निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे पास प्रेशर गिवन हो, गैस का मॉलिक्यूलर मास हमें पता हो, क्योंकि वो जून सी गैस है हमें पता होगा तो मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा, आर हम इस्तेमाल करेंगे कांस्टेंट है और टेम्परेचर उस गैस का, मतलब अगर हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन हो तो हम उससे उस गैस की डेंसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। अब डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, यहाँ से कुछ चीजें जो हमारे सामने आती हैं वो हम देख लेते हैं। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ये ऊपर है ना दोनों, मतलब न्यूमिनेटर्स में है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का मतलब है कि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है। अब इसकी वजह क्या है कि ये अगर मेरे पास एक गैस थी, यहाँ पे मैंने प्रेशर पी वन था, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया और प्रेशर कर दिया पी टू, इसका वॉल्यूम जो है हमारे पास जो पहले ये V1 था ये कम होके आ जाएगा V2। अब डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास यहाँ पे सपोज 1 kg था तो यहाँ पे भी वो 1 kg ही है मास, हम नई गैस तो ऐड नहीं की, तो मास चूंकि अब सेम है तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया, कम, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ गई है। तो मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, कि अगर मैं डेंसिटी बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे प्रेशर उस गैस के ऊपर अप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। ये पहली बात जो हमें इस फॉर्मूले से पता चली,
दूसरी बात क्या है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एम ओवर वी। ये एम क्या है? मास ऑफ द गैस। ये जो मास है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि उसका मॉलिक्यूल का मास कितना है, उसकी मॉलिक्यूल कितना भारी है। तो जितनी ज्यादा मास किसी गैस के मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा उतनी ही उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। एक रिलेशन ये पता लगा, एक रिलेशन ये पता लगा। एक और बात जो पता लगी वो थी जी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ये टेम्परेचर है, ये डेंसिटी। मतलब कि डेंसिटी और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो डेंसिटी कम हो जाती है। ये भी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। हमें पता है कि अगर एक गैस थी मेरे पास सपोज T1 के ऊपर जो कि 25 डिग्री सी है, मैंने क्या किया इस गैस को गर्म किया नए टेम्परेचर के ऊपर सपोज 50 डिग्री के ऊपर। अब इसका क्या होगा, 50 डिग्री पे हीट करने पर इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ये V1 कम था, V2 ज्यादा हो गया। अब डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर वी, तो मास तो दोनों का सेम है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में ये एक दूसरे से दूर दूर चले गए वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। तो टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें की डेंसिटी कम होती है, और ये हमें वैसे भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें एक्सपैंड करती है, गर्मियों में चीजें फैल जाती है। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सपैंड किया, टेम्परेचर दिया उसको, तो गैस ने क्या किया, एक्सपैंड किया, एक्सपैंड किया तो उसकी डेंसिटी कम हो गई। तो ये तीन रिलेशन हमारे पास आए। नंबर वन क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती। सेकंड वन के मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा किसी गैस का उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। एंड थर्ड वन इज इफ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ये कुछ छोटी सी डेरिवेशन थी और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था डेंसिटी निकालने का। अब हम इससे रिलेटेड अपनी बुक में मौजूद एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 4 है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो कहता है जी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4। गैस कौन सी है? CH4 मीथेन गैस। At 0 degree C, temperature is 0 degree C and pressure is 180. What will be the density if? अब वो कह रहा है ये पहले temperature और pressure था, अब नई conditions मैंने डाल दी हैं, तो बताओ कि density पे क्या फर्क पड़ेगा। कह रहा है अगर temperature जो है वो मैं बढ़ा दूं 0 degree C से 27 degree C तक, और दूसरी condition में वो कह रहा है कि टेम्परेचर तो जीरो ही रहे लेकिन प्रेशर जो है वो मैं बढ़ा दूं 2 एटमॉस्फेयर कर दूं, डबल कर दूं, तो मुझे बताओ कि डेंसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इन कंडीशंस पे डेंसिटी निकाल लेंगे, फिर इन कंडीशंस पे, और फिर इन कंडीशंस पे, इन पे हमें पता लग जाएगा कि डेंसिटी बढ़ रही है या कम। सिंपल सा सोल्यूशन है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेंसिटी का, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर एंड डी। आर हम कौन सा लेंगे, अपने यूनिट्स के मुताबिक। तो मैं इनको सबसे पहले कर रहा हूं कन्वर्ट केल्विन में, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ये 273 और ये भी 273 केल्विन। अब केल्विन और एटमॉस्फेयर की मौजूद एटीएम की प्रेशर के यूनिट्स के अंदर जो आर की वैल्यू होती है वो होती है 0.0821। ये हम पढ़ गए हैं। रही बात प्रेशर टेम्परेचर हमें गिवन है, आर हम ये वाला यूज करेंगे, पीछे रह गए एम। एम अब कैसे आएगा वो हम निकाल लेंगे। CH4 का कार्बन इज 12, हाइड्रोजन एक का एक होता है लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे चार है, तो ये हो जाएगा 12 + 4 = 16। अब हमारे पास एम भी है, आर भी है, टेम्परेचर प्रेशर भी है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें गिवन है टेम्परेचर 273 केल्विन जो कि 0 डिग्री था, और प्रेशर क्या है 180। तो अब हम यहाँ से डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। पी इज 1 एटीएम मल्टीप्लाई बाय एम इज 16 ग्राम पर मोल, ये भी हमने
निकालना। आर इज 0.0821 और इसके यूनिट्स होते हैं डेसीमीटर क्यूब, एटीएम पर केल्विन पर, और आखिरी हम जो मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर, दैट इज 273 केल्विन। इस सब को जब आप सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा डेंसिटी का, दैट इज 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी आ गई जो कि गिवन कंडीशन थी उनके ऊपर। अब वो कह रहे जी कंडीशन मैंने चेंज कर दी है, टेम्परेचर को मैं बढ़ा के ले गया हूँ 27 डिग्री सी क्यूब। 27 डिग्री सी का मतलब है कि ये हो गया 300 केल्विन। प्रेशर वही 180 एम, टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो गया है, आर वही 0.0821। इक्वेशन हमारे पास वही वाली रहेगी, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर। तो ये इक्वेशन हम यूज करते हुए फिर से नई कंडीशंस के ऊपर टेम्परेचर की हम डेंसिटी ऑफ द गैस निकाल लेंगे। तो ये ए पार्ट और बी पार्ट में वो कह रहा है कि टेम्परेचर तो अब वही है पुराने वाला 273 केल्विन, लेकिन प्रेशर को मैंने डबल कर दिया है 280। उसी तरह आप डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, प्रेशर में आ जाएगा 2 मॉलिक्यूलर इज मास इज 16, आर वही 0.0821, टेम्परेचर अब जो है वही पुराना 273 केल्विन। इस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1.42 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी ऑफ CH4 एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास आ जाएगी। तो ये सिंपल डेंसिटी की फॉर्मूला आपने याद रखना है, डेरिवेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आ जाते होते हैं। अब एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 5, वो भी इसी फॉर्मूले से निकलेगी। एग्जांपल नंबर 5 इसमें वो कह रहे जी कैलकुलेट द मास, मास आपने फाइंड करना है, स्मॉल एम आपने फाइंड आउट करना है। ये सारा डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मास आपने फाइंड करना है वो 1 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सी, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी। 30 डिग्री सी का मतलब है कि इसके अंदर केल्विन कितने होंगे, 303 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास, अब उसने कह दिया है कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब है वो अमोनिया गैस है NH3, तो यहां से मैं इसका m निकाल लूंगा। नाइट्रोजन इज 14, एक का 14, हाइड्रोजन एक का 1, 3 है तो 3 टाइम्स, तो ये m इसका क्या निकलेगा, 14 प्लस 3 17 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास m भी आ गया। एंड अब वो प्रेशर भी दे रहा है, प्रेशर कह रहा है जी 1000 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर है हमारे पास, मिलीमीटर मर्करी है, हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, एटीएम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। एटीएम के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने मिलीमीटर मर्करी को खत्म करना है और एटीएम के अंदर जाना, इसको नीचे रखूंगा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। एक एटीएम के अंदर कितने मिलीमीटर मर्करी होते हैं, 760, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 760 एटीएम, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.315 एटीएम। अब आपके पास प्रेशर मौजूद है, टेम्परेचर मौजूद है, वॉल्यूम मौजूद है, एम आपने फाइंड करना है और कैपिटल एम आपके पास मौजूद है। अब वही जो भी हमने एक इक्वेशन पढ़ के आए थे, PV इज इक्वल टू NRT, इसमें अब मैं N की जगह पुट कर रहा हूं उसका फॉर्मूला M ओवर कैपिटल M इंटू आर एन टी। प्रेशर हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी है, R भी है और टेम्परेचर भी गिवन है, यहां से हमारे पास ये M निकल आएगा जो कि हमने फाइंड आउट करना है। एम इज इक्वल टू पी वी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर एंड
टी। अब इन सारी चीजों की वैल्यूज आप उठा के इसमें पुट कर दें। प्रेशर आपके पास गिवन है 1.315 एटीएम, वॉल्यूम इज 1 डेसीमीटर क्यूब, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया अमोनिया का 17 ग्राम पर मोल। अब आर इज 0.0821, उसी तरह से डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। एंड टेम्परेचर कितना है, वो था जी 303 केल्विन, जो कि उसने ऊपर बता दिया था 30 डिग्री थी। इस सब को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास मास ऑफ द गैस इन ग्राम्स आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, देखा कि एक जनरल गैस इक्वेशन जो हमने डिफाइन कर ली है उससे हमारे पास डेंसिटी भी निकल आती है, हमारे पास मास ऑफ द गैस भी हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो थी जनरलाइज्ड, जो थी हमने डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल इक्वेशंस और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। ये लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत सिंपल है और फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर। एवोगैड्रोज लॉ, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर एन ए, जो कि क्या होता है 6.02 × 10⁻²⁷। ये लॉ हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के, फर्स्ट चैप्टर में अपने स्टडी करके आए थे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि किसके बराबर होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम गैस की बात कर रहे हैं तो हम गैस की बात करेंगे। गैस के केस में ये लॉ क्या था कि किसी भी गैस का 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी, अभी एस टी पी क्या है, 0 डिग्री सी एंड 1 एटीएम पे उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी हैज वॉल्यूम इक्वल टू, कितना था ये मोलर वॉल्यूम के टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए थे, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये गैस है तो हम अब उसको वॉल्यूम की टर्म्स में जो सा है वो लेके आएंगे। अब इन दोनों को अगर मैं रिलेट करूं, इन दोनों चीजों को अगर मैं रिलेट करूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे पास एक गैस है वो जिसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो, तो उसके अंदर उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होंगे। वो दोनों ही बातें हैं जिनको हमने बेसिकली आपस में रिलेट कर दिया है कि अगर एक गैस जो कि एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मौजूद है, उसका उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होंगे। सिमिलरली अगर कोई भी डिफरेंट गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि मेरे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO मौजूद हैं और इन सब का मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब मौजूद है, तो मैं इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के कितने होंगे। सिंपल सी बात है, जो भी रिलेशन हमने स्टडी किया 22.414 ऑफ एनी गैस एट एस टी पी
contains number of molecules 6.02 into 10 raised to power 23. Number of molecules. सिंपल की बात है 22,004 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट वेन्यू गैस एट एसटीपी कंटेन्स इतने नंबर एक के अंदर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.02 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.41 जैसे हम उसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी हमने स्टडी किया था उसी तरीके से ये भी हो जाएगा एक इतने के अंदर इतने हैं तो एक के अंदर कितने होंगे हम उससे उसको डिवाइड कर देते हैं जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.68 into 10 raised to power 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी गैस के जो के एसटीपी पे मौजूद है उसके एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए आपने आंसर जो है वो निकाल लिया अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है जो कि मतलब आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं वो ये है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक डेसीमीटर क्यूब जो है अगर उसकी हम मास की टर्म्स में लिखते हैं मास की टर्म्स में तो वो आपके बुक में हाइड्रोजन की बात कर रहा है और ऑक्सीजन की वो कह रहा है जी हाइड्रोजन का जो एक डेसीमीटर क्यूब है वो होता है 0.0899 ग्राम्स के और ऑक्सीजन का जो एक डेसीमीटर क्यूब होता है वो होता है 1.4384 ग्राम के वो कह रहे जी ये इतना थोड़ा है ये इतना ज्यादा है लेकिन दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमने निकाले हैं वो तो सेम है तो ये बात जो होती है वो कैसे सेटिस्फाई हो रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मैसेज हैं वो तो डिफरेंट हैं लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो ये पुरानी ही चीज है इसकी वजह क्या है कि जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है दैट इज 16 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ हाइड्रोजन जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन इसकी वजह से क्या है कि इसका जो मास है इसकी वजह इसकी निस्बत बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस है क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन लेकिन एक चीज भारी है और एक चीज हल्की है लेकिन दोनों ने वॉल्यूम जो है वो सेम लिया हुआ है तो ये बात भी समझ में नहीं आती लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन क्या है इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स वो कितना होता है वो होता है जी 300 टाइम्स ऑफ डायामीटर इसका डायामीटर मॉलिक्यूल का डायामीटर फॉर एग्जांपल अगर हम ये सपोज करें कि ये मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है और इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है तो उस गैस के कंटेनर के अंदर जो दूसरा कहीं पे गैस का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा एक और नंबर वन और ये नंबर टू इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये वाला दैट वुड बी 300 सेंटीमीटर तो कहता है जी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स इज 300 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल अगर 1 सेंटीमीटर के डायमीटर का मॉलिक्यूल है तो एवरेज डिस्टेंस उनके अंदर 300 गुना होगा 300 टाइम्स होगा इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो सी डिफरेंट गैसेस थी 0.0899 ग्राम जो H2 जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब बनता है और 1.434 ग्राम ऑफ O2 जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब बनता है इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होने की रीजन ये है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एवरेज डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो इजीली करीब या दूर हो जाते हैं और वॉल्यूम पे कोई खास असर
नहीं पड़ता उसके भारी या कम होने की वजह से। तो ये था जी एवोगैड्रो लॉ, जो कि क्या कह रहा है कि अगर एक गैस मेरे पास, उस गैस का एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मौजूद है, तो उसके अंदर जो होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। इससे हमने जो कंक्लूजन निकाली है वो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो लॉ की कंक्लूजन ये है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आइडियल गैसेस, अगर मेरे पास तीन चार पांच आइडियल गैसेस हैं, तो उनके अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम्स ले लिए हैं एट टी एंड पी कांस्टेंट, मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम्स किसी भी गैसेस के ले लिए हैं, तो उनके अंदर जो होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, सेम इक्वल होंगे। अगर मेरे पास ये चार कंटेनर हैं, वन टू थ्री फोर, एट जीरो डिग्री सी टेम्परेचर मैं चेंज नहीं कर रहा, और प्रेशर सपोज कर लेते हैं 2 atm है, तो वो सबका 2 ही है, और मैं कहता हूं जी इक्वल वॉल्यूम है मेरे पास, इक्वल वॉल्यूम सपोज कर लें जी 5 dm³ मैं ले लेता हूं सबका, और अब सपोज कर लेते हैं ये आइडियल गैसेस, इसलिए मैंने 1, 2, 3 लिखा है, लेकिन अगर हम इनको रियल गैसेस में लिख लें तो मैं कहता हूँ जी ये CO2 है, ये CH4 है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। तो सेम कंडीशंस के ऊपर इनके अंदर जो उनसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्या कह रहा है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये था एवोगैड्रोस लॉ, सिंपल सा था इतना, इसमें कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। आगे एक और इम्पोर्टेंट लॉ आ रहा है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर हम आगे चलेंगे। तो ये था आज का टॉपिक विच इज एवोगैड्रोस लॉ।